बुद्ध ने क्षण भंगुर को ही स्वीकार किया है, जो है क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर से अन्य कुछ भी नहीं, इसलिए बुद्ध के विचार को क्षणिकवाद का नाम मिला। प्रतिपल बदलाहट हो रही है, फूल ही नहीं बदल रहा, पहाड़ भी बदल रहे। फूल ही नहीं कुम्हला रहा, चांद तारे भी कुम्हला रहे। बुद्ध ने कहा है जो जन्मा है वो मर रहा है। मृत्यु की प्रक्रिया जन्म के साथ ही शुरू हो गई। कोई दिन भर जिएगा, कोई 100 वर्ष जिएगा, कोई 1000 वर्ष, कोई 1 करोड़ वर्ष, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण गल रही, मर रही, विलीन हो रही। फूल उसका प्रतीक है और जीवंत प्रतीक है। सुबह खिलता है, सांझ मुरझा जाता है। सुबह ऐसे प्रकट होता है जैसे सदा रहेगा, और सांझ ऐसे खो जाता है जैसे कभी नहीं था। ऐसा ही तो जीवन है। जब होता है तो ऐसा भरोसा लगता है कि सदा रहेंगे। प्रत्येक को यही भ्रांति है। जब तुम दूसरे को मरते देखते हो तब भी ये ख्याल कहां आता कि मैं भी मरूंगा। जब तुम दूसरे की लाश को चिता पर चढ़े देखते हो तो सोचते हो बेचारा, उस पर दया खाते हो, अपने पर दया नहीं खाते। जब भी चिता जलती है तुम्हारी ही चिता जलती, और जब भी मौत रास्ते से गुजरती तुम्हारी ही मौत गुजरती। कभी पूछने मत भेजना कि किसकी लाश निकली, हर बार तुम्हारी ही लाश निकलती। लेकिन आदमी इस भ्रांति में रहता है कि मैं तो रहूंगा। सदा दूसरे मरते हैं, मैं कहां मरता हूं। और इस तर्क में थोड़ा बल भी मालूम होता है, क्योंकि कभी आ मरा, कभी बा मरा, कभी सा मरा। तुम तो नहीं मरे, तुम तो अपनी मृत्यु को नहीं देख पाओगे, इसलिए तुमने तो सिर्फ अपना जीवन ही देखा। मरे तो तुम भी हो, बहुत बार मरे हो, पर मृत्यु देखने के पहले ही व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। मृत्यु के भय से मूर्छित हो जाता है। मृत्यु को जो देखने में समर्थ हो जाता है वह तो मुक्त हो गया, फिर उसका कोई जन्म नहीं। जो मृत्यु में शांति से, जागरूकता से, समाधि पूर्वक लीन हो गया, फिर लौट कर नहीं आता। उसे तो जीवन का राज ही समझ में आ गया। तो बुद्ध ने कहा है सारा जीवन क्षणभंगुर, जैसे नदी बह रही ऐसा जीवन बह रहा। सब चीजें बदल रही, बच्चे जवान हो रहे, जवान बूढ़े हो रहे, बूढ़े मर रहे, सब चीज सतत धारा की तरह बह रही। फूल उसका बड़ा उपयुक्त प्रतीक है, लेकिन इस सारी क्षणभंगुरता के पीछे, इस सारी क्षणभंगुरता के पार कुछ है जो शाश्वत है। उसी को बुद्ध ने कहा एस धम्मो सनंतनो, धर्म शाश्वत है, से सब मरता है, से सब विनष्ट होता है। बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं उसे ही लाओसु ने ताओ कहा। बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं उसी को महावीर ने आत्मा कहा। बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं उसको हिंदू, मुसलमान, ईसाई परमात्मा कहते हैं। ये अलग अलग नाम है। क्षण भंगुर तभी हो सकता है जब सबकी पृष्ठभूमि में कुछ शाश्वत हो। बैलगाड़ी चलती, चाक घूमता है, लेकिन कील नहीं घूमती जिस पे चाक घूमता है। अगर कील भी घूम जाए तो फिर चाक वही गिर जाए, फिर चाक नहीं घूम पाए। चाक के घूमने के लिए एक कील चाहिए जो न घूमती हो। परिवर्तन के लिए कुछ नित्य
जूते चाहिए जिस पर परिवर्तन टंगा रहे, नहीं तो परिवर्तन किस पर टंगेगा। बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आया, जीवन था, मौत आई। तुम ही बच्चे थे, तुम ही जवान हुए, सब बदल गया और फिर भी पीछे कोई खड़ा है। नहीं तो कैसे कहोगे कि मैं बच्चा था, मैं जवान हुआ? संबंध ही टूट जाएगा। बचपन खत्म हुआ, जवानी शुरू हुई, बीच में दोनों के कोई जोड़ ना रहेगा। तुम कभी ना कह पाओगे कि मैं बच्चा था, अब मैं जवान हो गया। जरूर कोई एक सूत्र भीतर बह रहा है। सारे परिवर्तन के बीच कुछ है जो अपरिवर्तित है, उस कुछ को बुद्ध ने धर्म कहा है। ठीक ही कहा है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, धर्म का अर्थ होता है सारी प्रकृति के पीछे छुपा हुआ अंतिम रहस्य। सब बदलता दिखाई पड़ रहा है। सुबह फूल खिला, सांझ मुरझा गया, कल फिर फूल खिलेगा, फिर मुरझाएगा, अनंत बार खिला है, अनंत बार मुरझाया है, लेकिन फूल में कुछ सौंदर्य है जो शाश्वत है। वह सौंदर्य फूल का धर्म है। तुमने एक गुलाब का फूल देखा, दूसरा गुलाब का फूल देखा, तीसरा गुलाब का फूल देखा, सब फूल मुरझा जाते, लेकिन फिर भी कुछ गुलाब में गुलाबीपन है, फिर भी कुछ गुलाब में पकड़ में न आने वाला सौंदर्य है। काटने जाओगे गुलाब को, विश्लेषण करोगे, नहीं पकड़ में आएगा, पकड़ के बाहर है। लेकिन हर गुलाब को तुम पहचान लेते हो, ये गुलाब का फूल है। कैसे पहचान लेते हो? दो गुलाब के बीच कुछ गुलाबीपन जरूर होगा जो एक जैसा है, फूलता एक जैसा है, नहीं तो एक गुलाब से दूसरे गुलाब का क्या संबंध? फिर गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, कमल का फूल है, इन सब के बीच भी कुछ है जो शाश्वत है। और गहरे जाओ तो वो जो खिलना, जिसको हम फूलना कहते हैं, वो जो फूल होने की आत्मा है, वो जो खिलाव है, वह एक ही है। जब गुलाब का फूल खिलता और कमल का फूल खिलता, उनके रूप अलग, ढंग अलग, व्यक्तित्व अलग, देह अलग, गंध अलग, सब अलग, आकार अलग, लेकिन खिलना तो एक ही जैसा है। चाहे घास का फूल खिले और चाहे कमल का फूल खिले, खिलना तो एक जैसा है। वो जो खिलावट है वो उनका धर्म है। फिर फूलों को छोड़ो, फूल खिलता है और एक सुंदर युवती खिलती, आकाश में तारा खिलता है। ये जो इतनी अनंत अभिव्यक्तियां होती, इनमें बड़ा भेद है, लेकिन इन सब के और गहरे चलो तो तुम पाओगे सबके भीतर खिलने की एक परम अभिप्सा है। तुमने देखा, हमारे पास एक शब्द है प्रफुल्लता, वो फूल से ही बना है। अर्थ तो होता है आनंद, लेकिन बना है फुल्लता से, फूलने से, प्रफुल्लता। जब कोई आनंदित होता है तब उसमें भी कुछ खिलता है। फुल्लित आदमी के पास तुम एक तरह की सुवास पाओगे जैसी फूलों में होती, एक तरह का रंग, एक तरह का निखार पाओगे जैसा फूलों में होता है। आनंदित आदमी के पास तुम्हें गंध मिलेगी, तुम्हें वैसा ही आनंद अहोभाव मिलेगा जैसा फूलों में होता है। इसलिए फूल आनंद के प्रतीक बन गए, और इसलिए मंदिरों में लोग फूल ले जाते चढ़ाने, वो प्रतीक है। क्योंकि परमात्मा को तुम अपना सिकुड़ापन कैसे चढ़ाओगे, अपना फूलापन चढ़ाओगे? उसके चरणों में तुम प्रफुल्लित होकर अपने को निवेदन करोगे। ये फूल तो प्रतीक है जो तुम चढ़ा आते, इन्हीं को चढ़ा के तृप्त मत हो जाना। ये तो संकेत है, ये तो इस बात की खबर है कि तुम परमात्मा के चरणों में चढ़ने योग्य तभी होगे जब तुम फूल की तरह खिले होगे, जब तुम फूल बन गए होगे, तभी तुम उसके चरणों में चढ़ने की पात्रता पाओगे। तुम फूल बनो तो ही उसके चरण पा सकोगे। फूल बनने का अर्थ है
तुम तृप्त हुए, तुम जो होना चाहते थे हो गए। फूल प्रतीक है परिपूर्णता का, क्षण भंगुरता का भी प्रतीक है, परिपूर्णता का भी प्रतीक है, जीवंतता का भी प्रतीक है। फूल से ज्यादा जीवंत तुमने कोई चीज देखी? हालांकि सुबह खिलता सांझ मुरझा जाता, और उसी के पास पड़ा हुआ पत्थर सदियों से पड़ा है, फिर भी पत्थर पत्थर है, फूल फूल है। पत्थर जीवंत नहीं मालूम होता, जड़ है, शायद इसलिए ज्यादा देर जीता है। फूल इतना जीवंत है कि ज्यादा देर जी कैसे सकता है? जितनी जीवंतता होगी, जितनी जीवंतता की गहराई होगी, उतनी ही जल्दी स्वप्न की तरह जीवन उड़ जाएगा।